पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही दक्षिण गुजरात और सूरत की बारिश के चलते मुश्किलों में सतत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हम पहुंचे सूरत के पर्वत पाटिया से घोड़ाधरा वाले मेन रोड पे, जहां पे पानी खाड़ी पानी बाहर आने के चलते लाखों मकान डूब गए, हजारों की तादाद में लोगों को स्थलांतर करना पड़े ऐसी परिस्थिति है। बीच में खाड़ी का ब्रिज है, ब्रिज के वो साइड भी पानी है और ये साइड भी पानी है। कहा जाता है कि गीतानगर, माधवनगर, ये सब जो रेसिडेंट इलाके हैं वो पानी में डूब गए। SMC महानगर नगर निगम के जो कर्मचारी है वहाँ उनका आवास है, वो आवास भी पानी में पूरी तरह डूब चुका है। और ख़ास करके मेन रोड की जो दुकान है, ये दुकानों में पानी जाने से लाखों रुपये का नुकसान होता है, जिसके चलते दुकान मालिकों ने अर्जेंट में खास करके अपनी दुकानों पे जिस तरह की दीवार की आड़स बनाने की शुरुआत की है, जिसके चलते पानी दुकान के अंदर ना जाए वैसा काम कर रहे हैं। देखने में सीधे दृश्य देख रहे हैं कि दुकान के बाहर ईंटों की एक आड़स बनाई गई है। लगातार पानी बढ़ने से लोगों की समस्या बढ़ रही है। नगर निगम ने जिस जिस इलाकों में खाड़ी का पानी बढ़ रहा है उसके चलते वहाँ पर रेस्क्यू बोटें उतारी है और दमकल विभाग के कर्मचारियों को स्टैंड बाय भी रखा हुआ है। गुजरात के सूरत के इलाकों में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते सूरत के मध्य में से पसार होने वाली खाड़ी ओवरफ्लो हो चुकी है। हालांकि सूरत ग्रामीण इलाकों में हो रही बारिश का पानी इस खाड़ी में आने के चलते खाड़ी ओवरफ्लो हो चुकी है, जिसके चलते सूरत का लिंबायत इलाका है पूरा पानी में डूब चुका है। पूरे इलाके में पानी भर चुका है, धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। पहले दिन 2 फुट था, फिर 5 फुट था, अब 9 फुट तक पानी पहुंच चुका है। लोगों को स्थलांतर किया जा रहा है। महानगर पालिका की फायर विभाग की बोटें हैं, उनसे रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को। नीचे जो रह रहे हैं उनको पहले मंजिल पे स्थलांतर होने की सूचना दी गई है। लगातार पानी बढ़ रहा है, जिस तरह से पानी बढ़ रहा है इससे तंत्र की चिंता में बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह से माना जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, बीती रात को भी सूरत ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 इंच बारिश हुई है, उसका पानी अभी भी ये खाड़ी में आने वाला है, क्योंकि खाड़ी सूरत सिटी के मध्य में से पसार हो रही है, जिसके चलते पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों की चिंता में बढ़ोतरी हुई है। खास करके सूरत सिटी की बात की जाए तो सूरत सिटी में भी पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है। अभी तक पुलिस की ओर से लोगों को पानी में न जाने की सूचना दी गई और नगर निगम की ओर से रेस्क्यू बोटें चलाई जा रही है, लोगों को स्थलांतर किया जा रहा है। करीबन 100 से अधिक परिवारों को स्थलांतर भी यहां से किया गया है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही दक्षिण गुजरात और सूरत की बारिश के चलते मुश्किलों में सतत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हम पहुंचे सूरत के पर्वत पाटिया से घोड़ाधरा वाले मेन रोड पे, जहां पे पानी खाड़ी पानी बाहर आने के चलते लाखों मकान डूब गए, हजारों की तादाद में लोगों को स्थलांतर करना पड़े ऐसी परिस्थिति है। बीच में खाड़ी का ब्रिज है, ब्रिज के वो साइड भी पानी है और ये साइड भी पानी है। कहा जाता है कि गीतानगर, माधवनगर, ये सब जो रेसिडेंट इलाके हैं वो पानी में डूब गए। SMC महानगर नगर निगम के जो कर्मचारी वहाँ उनका आवास है, वो आवास भी पानी में पूरी तरह डूब चुका है। और ख़ास करके मेन रोड की जो दुकान है, ये दुकानों में पानी जाने से लाखों रुपये का नुकसान होता है, जिसके चलते दुकान मालिकों ने अर्जेंट में खास करके अपनी दुकानों पे जिस तरह की दीवार की आड़स बनाने की शुरुआत की है, जिसके चलते पानी दुकान के अंदर ना जाए वैसा काम कर रहे हैं। देखने में सीधे दृश्य देख रहे हैं कि दुकान के बाहर ईंटों की एक आड़स बनाई गई है। लगातार पानी बढ़ने से लोगों की समस्या बढ़ रही है। नगर निगम ने जिस जिस इलाकों में खाड़ी का पानी बढ़ रहा है उसके चलते वहाँ पर रेस्क्यू बोटें उतारी है और दमकल विभाग के कर्मचारियों को स्टैंड बाय भी रखा हुआ है।